हेलो फ्रेंड्स, मीनू वीकेंड किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे घर पर ही मार्केट जैसा जैम एंड जेली, वो भी अमरूद से। ये देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसी जैम घर पर ही बहुत ही आसानी से। चलिए अब हम बनाते हैं जैम और जेली दोनों। जैम और जेली बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 किलो पके हुए अमरूद लिए हैं, जो लाल और सफ़ेद दोनों हैं। इन्हें अच्छे से छोटे छोटे पीसों में कट कर लेंगे। ये देखिए, सारे अमरूद कट कर लिए हैं हमने। अब इन्हें हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ये जली वाले अमरूद एक बर्तन में, और उसमें हम 1 बाउल पानी डाल करके इसे बॉईल होने कर रख देंगे। और जो जैम वाले हैं उसे कुकर में डाल के उतना ही पानी 1 बाउल के लगभग डाल करके इसे भी बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसे हमें 3 सीटी तक आने तक पकाना है। जली वाले अमरूदों को हमें मैश नहीं करना है, इसे सिर्फ अच्छे से पकाना है ताकि अमरूद गल जाए। अमरूद गलने तक ही हमें इसे पकाना है, और अमरूद गलेंगे तो इसका पेक्टिन पानी में निकलेगा। इस पेक्टिन से ही हमें अमरूद की जली बनाना है। देखिए, अमरूद बॉयल होने स्टार्ट हो गए हैं, पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया, अमरूद गलने लगे हैं। गलने सीटी आ गई है। 3 सीटी आने पर हम इस कुकर की फ्लेम को बंद कर देंगे। इधर अच्छे से पानी बॉयल हो गया है और अमरूद भी लगभग पक गए हैं। इसे थोड़ी देर और पका करके अब हम इसे छान लेंगे। हमें स्टेनर की हेल्प से इस तरह से छान लेंगे, और इसे छानते समय भी अमरूद को मैश नहीं करेंगे और हल्के से प्रेस करके सारा पानी निकाल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं दबाना है। ये देखिए, पानी निकल आया है। अब हम इससे जली बनाएंगे। ये हमारा 1 गिलास के लगभग पानी निकला है, और जितना पानी निकला है उसकी आधी क्वांटिटी में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसे हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर पिसी हुई शुगर ली है, तो इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लेंगे, और इसे ऐड कर देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे लगातार चलाते रहेंगे, और जब ये हल्की गाढ़ी होने स्टार्ट हो जाएगी जली, तब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। ये देखिए, बॉयल आना स्टार्ट हो गया है, और ये गाढ़ी भी होने लगी है थोड़ी। शुगर पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 2 चम्मच के लगभग नींबू का रस ऐड कर देंगे। ये चीनी को क्रिस्टलाइज होने से रोकेगा, और साथ में ही ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। जेली बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। इसे देख लेंगे। चेक करने के लिए हमें कटोरी में पानी लेके उसमें जेली के कुछ ड्रॉप डाल के देखेंगे। अगर जेली अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी तो मतलब तैयार हो गई है। ये लगभग 1 मिनट और पकानी पड़ेगी, और जेली हमारी तैयार ही है लगभग। ये देखिए, जेली तैयार हो गई है। फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे जैसे पहले चेक किया था। इस बार पूरी अच्छी तरीके से जेली सेट हो रही है, इसकी गोली बन जा रही है। इसका मतलब जेली पूरी तरीके से सेट हो गई है। इसे किसी भी कांच के बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। इसे गर्म गर्म ही स्टोर करेंगे। अब जैम के लिए जो हमने अमरूद उबाले थे वो भी अच्छी तरीके से उबल गए हैं। अब उसे हम इस तरीके के मैशर से इसे हेल्प से मैश कर लेंगे। इसे हम मिक्सी में ग्राइंड नहीं करेंगे, नहीं तो इसके बीज भी पिस जाएंगे, इसलिए हमें इसी तरीके के मैशर से इसे मैश करना है, और स्ट्रेनर से इसका पल्प निकाल लेना है। पल्प निकालते समय इसे इस तरह से निकालना है कि इसके बीज इस पल्प में ना निकलें, और इसके एक प्यूरी जैसी बन जाए और हम छान लें। अगर बीज इसमें चले जाएंगे तो जैम हमारा ख़राब हो जाएगा, और अच्छा ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। इस तरीके से हमें पूरे पल्प को निकाल लेना है। पल्प निकल आया है। अब हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। इसमें हम चीनी इसकी 1/2 क्वांटिटी में ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बहुत मीठे अमरूद लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर चीनी की क्वांटिटी थोड़ी कम कर रहे हैं। अगर आपके अमरूद कम मीठे हों तो उसमें चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब इसे अच्छे से पकने देंगे और लगातार चलाते रहेंगे। शुरुआत में हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे, और थोड़ा गाढ़ा होने के बाद इसकी फ्लेम को हम लो कर देंगे, क्योंकि गाढ़ा होने के बाद इसके छींटे पड़ने लगते हैं।
जिसे जलने का डर रहता है। अभी ये गाढ़ा होने में उसमें टाइम लग गया, ये देखिए गाढ़ा हो गया। अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और साथ में अब हम इसमें भी 3 टेबल स्पून के लगभग नींबू का रस ऐड कर देंगे। इसका कलर बहुत ही अच्छा आ रहा है इसलिए हम इसमें कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर कलर आपको ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं। जैम अच्छे से पक गया है, ये चेक करने के लिए हम इसे इस तरह से चेक कर लेंगे। जैम अभी फैल रहा है, इसका मतलब ये सेट होना बाकी है। दोबारा देखिए 10 मिनट बाद ये वापस से सेट हो गया है अच्छी तरीके से। जैम बनकर तैयार है, इसे अब हम बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे और हल्का गर्म रहने पर ही इसे कांच की बोतलों में स्टोर कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह की कांच की बोतलों में इसे स्टोर कर लिया है ताकि ये कांच की बोतल में अच्छी तरीके से सेट हो जाए। मैंने कांच की बोतल्स में जैम को भर लिया है, ये देखिए, और अच्छी तरीके से ठंडे होने पर ये 5 से 6 घंटे बाद पूरी तरीके से सेट हो जाएंगे। बाकी बचा हुआ ये देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है ना। मेरे चैनल मीनू वीकेंड किचन को सब्सक्राइब करें, नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।